बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो कि 1947 में मुनक्कद हुई थी उसके अगराज व मकासद और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली तजावीज़ को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो कि 1947 में हुई थी उसके क्या अगराज व मकासद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि इस्लामी नज़रिया हयात को तालीम की बुनियाद बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो इस्लाम है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी के लिए। इसके अंदर मुकम्मल असूल और ज़वाबत मौजूद हैं जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जो इस्लामी नज़रिया हयात है वो तालीम की बुनियाद होगा। इसके साथ साथ फ़र्द को माशरती जमहूरियत और माशरती इंसाफ की तरबियत दी जाएगी। मज़ीद इसमें यह कहा गया था कि फ़र्द को माशी आसूदगी दी जाएगी और फ़र्द को माशरे का बेहतरीन रुकन बनाया जाएगा। क्योंकि अगर फ़र्द जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने लिए भी बेहतरीन साबित होगा और इसके साथ साथ वो माशरे के लिए भी प्रोडक्टिव साबित होगा। लिहाजा फ़र्द को माशरे का भी बेहतरीन रुकन बनाया जाएगा और इसके साथ साथ उसको माशी आसूदगी भी दी जाएगी। गोया पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में तालीम के हवाले से जो भी मकासद पेश किए गए थे वो ये थे। अब मैं आपके सामने जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस है उसमें पेश की जाने वाली तजावीज़ को डिस्कस करूँगी। अगर हम इसकी तजावीज़ के हवाले से बात करें तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि जो इस्लामी नज़रिया हयात है उसको तालीम की बुनियाद करार दिया जाएगा। तमाम तालीमी इदारों में जो मज़हबी तालीम है वो लाजमी दी जाएगी और इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि इस्लामी तहकीक का एक इदारा कायम किया जाएगा। जो कि तालीम के मुख्तलिफ शोबों में और तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तहकीक करेगा। इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि एक तालीमी कौंसल और मशावरती तालीमी बोर्ड कायम किया जाएगा। जिसका मकसद ये होगा कि तालीम के हवाले से और तालीम के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अपने मशवरे दे ताकि जो तालीम है उसको हम इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक बना सकें। इसके साथ साथ अगर हम प्राइमरी तालीम की बात करें तो इसमें ये कहा गया कि प्राइमरी तालीम जो कि 5 साल तक की है उसको लाजमी और मुफ्त करार दिया गया और इसका दौरानिया 5 साल से बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता 8 साल तक कर दिया जाएगा। यानी कि पहले 5 साल तक की तालीम जो है वो लाजमी और मुफ्त होगी और इसके बाद 8 साल तक की तालीम जो है वो लाजमी और मुफ्त करार दी जाएगी। मज़ीद इसमें ये कहा गया कि प्राइमरी तालीम में या तो हम मखलूत तरीके को अख्तियार करेंगे या फिर किसी भी इलाके की जो ज़रूरियात हैं और किसी भी इलाके का जो कल्चर है उसके मुताबिक प्राइमरी तालीम दी जाएगी। और प्राइमरी तालीम में मखलूत तरीका अख्तियार किया जाएगा या फिर
किसी भी इलाके की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम किया जाएगा और इस बोर्ड का मकसद ये होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ शोबे जो कि निसाब के हवाले से या यूनिवर्सिटी के अंदर नज़्म व नस्क के हवाले से काम करते हैं उन सब के दरमियान तआमुन जो है वो पैदा किया जाए। इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि स्कूलों में जिस्मानी तालीम और कॉलेजों में फ़ौजी तरबियत को लाजमी करार दिया गया। और मज़ीद इसमें ये कहा गया था कि टेक्निकल तालीम की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल कायम की जाएगी। जो कि टेक्निकल तालीम के हवाले से अपने मशवरे भी देगी और टेक्निकल तालीम को फ़रोग देने के लिए बहुत सारे इकदाम भी करेगी। इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि जो उर्दू है वो कौमी राबते की ज़ुबान होगी और इसमें ये कहा गया कि कौमी कुतुब खाने और अजायब घर जो हैं वो कायम किए जाएंगे। अगर हम ख़वातीन की तालीम के हवाले से बात करें तो इसमें ये कहा गया कि तालीम निस्वा और इसके साथ साथ तालीम बालगा को फ़रूग दिया जाएगा। और जब हम तालीम निस्वा की बात करें तो इसमें यह कहा गया कि ख्वातीन के लिए अलहदा से मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। मज़ीद इस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल जो है वो कायम की जाएगी जो कि साइंसी तालीम के हवाले से और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है उसके हवाले से मशवरे देगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो साइंस और इंडस्ट्री है वो किसी भी माशरे की और किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 1947 में जो हमारी पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अगराज व मकासद और इसके साथ साथ उसमें पेश की जाने वाली तजावीज़ को डिस्कस किया है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम थी क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद और इसमें पेश की जाने वाली तजावीज़ की बुनियाद पर ही हमारी जो आइंदा आने वाली एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी उनकी बेस है। लिहाजा एज अ टीचर आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन के लेक्चरर के लिए या फिर हेड टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो बाकी हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।